करवा चौथ। करवा चौथ व्रत का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां पूर्ण श्रद्धा से निर्जल व्रत रखती हैं। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चौथ में किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। सौभाग्यवती स्त्रियां स्वपति के रक्षार्थ यह व्रत करती हैं तथा रात्रि में शिव, चंद्रमा, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय आदि के चित्रों एवं सुहाग की वस्तुओं की पूजा करती है। इस दिन निर्जल व्रत करें। चंद्र दर्शन के बाद चंद्र को अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। कुछ स्त्रियां परस्पर चीनी या मिट्टी का करवा आदान प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक विपत्तियां पहले से व्याप्त थी। इससे द्रौपदी ने शोकाकुल हो कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के दर्शन होने पर इन कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, एक समय पार्वती ने शिव जी से इसी प्रकार प्रश्न किया था, तो उन्होंने सभी विघ्नों के नाशक इस करवा चौथ व्रत को ही बतलाया था। हे पांचाली द्रौपदी, प्राचीन काल में गुणी बुद्ध धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके चार पुत्र तथा एक गुणवती पुत्री सुशीला थी। पुत्री ने विवाहिता होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुब्धा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चांद बनाकर दिखा दिया। कन्या ने अर्घ दे भोजन किया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। इससे उसने दुखी होकर अन्न जल छोड़ दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी बोली, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब ब्राह्मण कन्या ने अंजलि बांधकर विनय किया कि इससे मुक्त होने का कोई साधन बतावे। इंद्राणी बोली, यदि तुम पुनः विधिवत करवा चौथ व्रत करो तो निश्चय तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस रीति से उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया तथा पति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने इसको किया, तभी पांडव विजयी हुए। अतः सौभाग्य पुत्र पौत्रादि तथा धन धान्य के इच्छुक व्यक्तियों को यह व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। हे श्री गणेश गौरी माँ, जिस प्रकार करवा को सदा सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले। आइए जानते हैं कि चंद्रमा को जल चढ़ाते समय क्या बोलना चाहिए। सोना की साकली, सोना का हार, सोना का कलश, गंगा जल की धार, चौथ विनायक का अर्घ देऊं, मारा जिए पुत्र भरतार, मारा जिए वीर भरतार। साथ ही हाथ में 30 गेहूं के दाने लेकर गणेश जी को समर्पित करते हुए कहें, 30 लो आशीष दो। इस प्रकार अपना करवा चौथ का व्रत पूर्ण कर बड़ों का आशीर्वाद लें। धन्यवाद।